नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न में 25% डिपार्टमेंटल कोटा का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ CNW डिपार्टमेंट में, उस प्रश्न पत्र का सलूशन लेकर के आया हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर हुआ है 3/8/2024 को, तो उस प्रश्न पत्र का सलूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर मैं आंसर दूंगा वो बेस्ड ऑन लेटेस्ट मैनुअल एंड सर्कुलर्स, जो गाइडलाइंस दिया गया होगा रेलवे बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग दूंगा। तो कोशिश ये रहेगा कि 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का। तो आइए हम आगे बढ़ें, उसके पहले मैं आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। चलिए मैं नेक्स्ट शुरुआत करता हूँ इसका, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ा है तो इसमें सलूशन में टाइम लगेगा। देखिए, फार्मेसर ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ JEE लेवल 6 4200 ग्रेड पे 25% डिपार्टमेंटल कोटा CNW मुंबई डिवीजन, ये 3/8/2024 को हुआ है। 100 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। आपको पता हो कि 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ 110 जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं JEE के एग्जाम के लिए। और 10 क्वेश्चन जो रहता है इसमें राजभाषा का रहता है, वो ऑप्शनल रहता है, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा किया है तो भी आपका फर्स्ट 100 जो है क्वेश्चन ही इसमें चेक किया जाता है। तो चूंकि OMR बेस्ड सीट था ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में वो 100 ही क्वेश्चन आपका चेक किया जाएगा, चाहे आप 110 भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हील स्लाइड कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, व्हील्स WSP में क्या क्या कंसिस्ट करता है उसके लिए बता रहा है। तो नंबर वन, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, यस, स्पीड सेंसर पल्स जनरेटर, स्पीड सेंसर को ही पल्स जनरेटर भी कहते हैं हम, एंटी स्किड वाल्व या डंप वाल्व, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव। साथ में मैं हमेशा बताता हूँ कि अपने क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ जिससे आपकी 25% जानकारी बढ़ जाता है। तो इसमें जान लीजिए कि WSP में दो और चीज़ रहता है, एक तो रहता है फोनिक व्हील और दूसरा रहता है प्रेशर स्विच, तो वो भी इसी कंपोनेंट्स का ही पार्ट होता है। तो पांच ये कंपोनेंट्स रहते हैं WSP के। नंबर दो देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव है, ये मैंने बता दिया। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, देखिए आंसर है 0.02 kg/cm² per minute, 1 kg, 0.2 kg, 0.1, कहीं कहीं आंसर आपको ये लगे हुए मिलेंगे, बट जो मैं आंसर बताऊंगा उसी को आप राइट समझिए, मेरा आंसर रहेगा, बाकी जिसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा उसने टिक लगाया है। देखिए, सिंगल कार टेस्टिंग में जो लेटेस्ट मैनुअल LHB का आया है जुलाई 2022 का, उससे लेटेस्ट अभी कोई मैनुअल नहीं है, उसमें सिंगल कार टेस्टिंग के लिए जो रेट ऑफ लीकेज बताया है वो 0.02 kg/cm² per minute, तो इसका राइट आंसर होगा यही। बट 0.02 तो हम गेज में मेजर नहीं कर पाते चूंकि लीस्ट काउंट के कारण, तो इसका दिया है वहाँ पर 0.02 kg/cm² या 1 kg/cm² विदिन 5 मिनट, 5 मिनट। तो हम जब सिंगल कार टेस्ट करते हैं तो हम वहाँ गेज लगा करके चार्ज करके सिस्टम को हम ये देखते हैं 0.1 kg/cm² विद इन 5 मिनट, इससे ज़्यादा लीकेज रेट अलाउड नहीं है। नॉर्मली जब आप रेक टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर 0.2 kg/cm² per minute रहता है या 0.6 kg विद इन 3 मिनट, तो ये नॉर्मली रहता है और उसके पहले था, बट जो लेटेस्ट LHB का मैनुअल आया है उसमें यही दिया गया है 0.02 kg/cm² per minute या 0.1 kg/cm² विद इन 5 मिनट। तो मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन सर्कुलर्स रहेगा या लेटेस्ट जो मैनुअल्स है उसके बेस पर, तो ये प्रश्न का आंसर है दो नंबर प्रश्न का ए। द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन पर कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, तो जो पिट लाइन में एग्जामिनेशन होता है वो सेकेंडरी मेंटेनेंस भी होता है और प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, तो ये दोनों मेंटेनेंस होता है, इसलिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए एंड बी एबव, तो ये आंसर डी जो है इज राइट आंसर, यानी दोनों ये पिट लाइन में होता है, सेफ टूरन तो बाहर ही होता है। तो पिट लाइन मेंटेनेंस, प्राइमरी मेंटेनेंस जो हमारे ओन डिपो की गाड़ी हो, सेकेंडरी मेंटेनेंस जो अदर जोन की गाड़ी होगी, अदर डिपो का रहता है जोन का, वो हमारे डिपो में आता है तो वो सेकेंडरी मेंटेनेंस ट्रीट करते हैं, तो यही दो पिट लाइन में होते हैं।
सेलिंग ऑन व्हील्स सेट द रीजन में भी, सेलिंग के लिए क्या रीजन हो सकता है? WSP सिस्टम नॉट फंक्शनिंग, यहाँ हार्ट लिखा है बट यहाँ पर दिया है ठीक से काम नहीं करता, यानी नॉट फंक्शनिंग है। किसी भी जगह अगर क्वेश्चंस में कॉन्ट्राडक्टरी होता है तो इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज एथेंटिक क्वेश्चंस आंसर, तो आपको इंग्लिश वर्जन ही लेना है। ब्रेक कैलिपर में जाम्ड, ये भी कारण हो सकता है। वन आर बोथ ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्टिव, तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कट ऑफ एंगल काक कैन बी फिटेड टू, कहाँ फिट किया जाता है? ये BP और FP ये दोनों के लिए होता है, तो आंसर सी इज ए राइट आंसर। BP और FP एक कोच में, दो एक साइड में, दो दूसरे साइड में, तो इस तरह से 4 कट ऑफ एंगल काक लगे रहते हैं, तो BP FP के लिए है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन LHB कोच डिस्क ब्रेक सिस्टम? LHB कोच ये एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है, तो उसमें पूछ रहा है इसका थिकनेस कितना रहता है, तो 35 mm होता है इसका थिकनेस, और कंडमिंग साइज होता है 7 mm, ब्रेक पैड का कंडमिंग साइज 7 mm और न्यू साइज 35 mm। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर इन LHB कोच इन लीटर्स? देखिए LHB कोच में दो AR रहते हैं, एक रहता है 125 लीटर का जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, और 75 लीटर के लिए जो है वो पहले था CDTS के लिए, अभी वो फ्लशिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर दिया है 125 लीटर जो है AR का कैपेसिटी होता है LHB कोच में। हाउ मेनी टोटल कंप्रेसर्स आर देयर इन 16 वंदे भारत कोच? मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक MCQ ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, रिलीज किया हूँ वीडियो, उसमें से ये वंदे भारत को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, और उस MCQ में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वंदे भारत का, तो उसको आप जरूर देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, तो उसको आप देखेंगे तो वंदे भारत के क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये पता चले कंप्रेसर्स जो होता है वो DTC और NDTC में लगा होता है, तो अगर 16 कोच है तो उसमें 2 DTC रहेगा और 2 NDTC रहेगा, तो 2 DTC और 2 NDTC प्लस 2 NDTC 16 के रेक में NDTC, तो ये दोनों में रहेगा, एक एक कंप्रेसर रहता है, तो इस तरह से 4 कंप्रेसर्स लगे रहेंगे 16 कोच के वंदे भारत में। विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज इन फिएट बोगी? फिएट बोगी कहाँ यूज होता है? LHB कोच में यूज होता है। कई बार यही पूछ लेता है कि LHB कोच में कौन सा बोगी यूज होता है, तो फिएट बोगी फैब्रिका इटालिना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो इसका फुल फॉर्म है। इसमें CTRB कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, तो CTRB मैं बता दूँ आपका LHB कोच में, वंदे भारत में एंड वैगन्स में यूज होता है। स्फेरिकल रोलर बियरिंग जो है ICF में यूज होता है, तो ये आपके जानकारी के लिए हो जाए। CTRB आपका वंदे भारत में भी यूज होता है और वैगन में भी यूज होता है, वैगन में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लोड टेस्टिंग ऑफ क्वाइल स्प्रिंग इन LHB कोचेस टू बी डन इन शेड्यूल में पूछ रहा है, तो शेड्यूल में किस शेड्यूल में होता है? तो लोड टेस्टिंग एंड पेयरिंग जो किया जाता है ये LHB कोच का, ये SS3 में किया जाता है। SS3 6 ईयर्स बाद होता है, 6 साल बाद होता है, और SS2 जो है ये 3 साल बाद होता है, 3 ईयर्स, और ये 1.5 ईयर्स यानी 18 महीने, इसको कह सकते हैं 18 मंथ, ये 36 मंथ, और ये 72 मंथ 72 मंथ। तो ये आपका यहाँ पर 3 प्रश्न ये भी तैयार हो गया, शेड्यूल्स का ये पीरियडिसिटी हो गया, प्लस ये आपका कब होता है, तो साफ शेड्यूल 3 में। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज चेक्ड इन द टायर डिफेक्ट गेज? टायर डिफेक्ट गेज इज यूज्ड फॉर द व्हील डिफेक्ट के लिए होता है, तो व्हील डिफेक्ट हम जो चेक करते हैं तो उसके लिए हम उसको टायर डिफेक्ट गेज या व्हील डिफेक्ट गेज कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन के कारण होने वाले डिफेक्ट्स को हम चेक करते हैं, फ्रिक्शन के कारण। देखिए व्हील में दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक ड्यू टू फ्रिक्शन और दूसरा रहता है ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को तो हम विजुअल चेक करते हैं, बट ड्यू टू फ्रिक्शंस जो होते हैं 7 डिफेक्ट, उनको हम व्हील डिफेक्ट कहते हैं, 7 डिफेक्ट्स जो हैं अपने। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत? वंदे भारत का नया व्हील डायमीटर 952 है, सबसे ज़्यादा है 952 LHB और ICF से, बिकॉज ऑफ दैट कि इसके सभी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नीचे लगे हैं, अंडर फ्रेम में लगे हैं, इसलिए इसका हाइट बढ़ाने के लिए इसका ये डायमीटर बढ़ा दिया गया है। और कंडमिंग साइज, यहाँ तो न्यू हिल डायमीटर पूछ लिया, कंडमिंग साइज 877 mm, तो आपका ये दोनों प्रश्न तैयार हो गया।
और अगर ये साप से वापस आ रहा है तो लास्ट वार्न हिल प्रोफाइल जो किया जाता है वहाँ से वो है 896 cm। तो आपके ये तीन प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए, दो एडिशनल तैयार हो गए। बट फिर अपील करूँगा कि वंदे भारत का MCQ जरूर देखिएगा। विच टाइप ऑफ बैटरी इज यूज इन द वंदे भारत? फिर से वंदे भारत के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो आप ये जानिए कि आपका ये वंदे भारत MCQ जो हमारा है उससे लगभग 90% या 95% क्वेश्चन कह लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें मैच करेगा आपको। तो वंदे भारत में जो यूज होता है बैटरी वो लिथियम आयरन फास्फेट यूज होता है। तो इसका आंसर हुआ ए, 13 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द एब्रीविएशन ऑफ बेकू, बेकू ये इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द वंदे भारत। तो वंदे भारत में बेकू क्या है? इसका होता है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो आंसर इज बी, जो है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHP कोच इज डन, कौन सा? D3। देखिए क्वेश्चन को बहुत क्लियर पढ़ना है, स्पष्ट पढ़िए आप। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल 180 दिन प्लस माइनस 15 डेज, ठीक, इट्स ए करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल? वन एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क लगे होते हैं? तो ब्रेक डिस्क कहाँ लगता है LHP में? तो ये 2 लगे रहते हैं, 2 जो है ब्रेक डिस्क आपके हर एक एक्सल पर लगे रहते हैं। इसलिए एक कोच में 4 एक्सल रहेगा, तो 8 जो है आपका टोटल ब्रेक डिस्क लगते हैं, ब्रेक डिस्क। अगला प्रश्न देखिए, फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर स्ट्रेंथनिंग टू द डिस्क, फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। फिन्स जो प्रोवाइड किया गया है, एक्चुअल में जो ये LHB का क्वेश्चन बैंक निकला है उसमें आंसर है बी, फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क। बट मैनुअल में ये भी आंसर है कि स्ट्रेंथनिंग, चूंकि डिस्क जब ये हीट होगा तो इसके वेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथनिंग भी देते हैं। बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क इज ए करेक्ट आंसर। इंस्टॉलेशन ऑफ लॉक पिन अरेंजमेंट इन डेलनर मेक CBC, डेलनर मेक CBC इस कार्ड के आते हैं, डेलनर के आते हैं। टाइप्स ऑफ CBC बहुत सारे हैं, कंपनी के मेक हैं, बट यहाँ डेलनर में जो लॉक पिन बताया है, अरेंजमेंट ये प्रोवाइड किया गया है नीचे लॉक को ओपन ना हो जाए उसके लिए, तो फॉर प्रिवेंटिंग अनकपलिंग इन रूट, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। गुड राइडिंग कम्फर्ट टू रिड्यूस जर्क, इससे कोई मतलब नहीं है। जो लॉक पिन दिया गया है फॉर सेफ्टी रीजन, कि ये इन रूट में अनकपल ना हो जाए, लॉक ओपन ना हो जाए। यूज ऑफ सिम्स, सिम्स जो है डिफरेंट साइज के थिकनेस के यूज करते हैं, तो नकल के बीच में इसको डाला जाता है, जब गैप हो जाता है तब वो रिड्यूस द जर्क, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जर्क को कम करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है सिम्स। इन घाट सेक्शन, इन वंदे भारत फेन MR इज रेक बिकम्स 0। देखिए वंदे भारत में आप जरूर उसको देखिएगा, वंदे भारत को, फिर भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि वंदे भारत में यप्पी नहीं होता है, वहाँ पर MR होता है, ये नहीं होता है, यप्पी नहीं होता है, वहाँ पर MR रहता है और BP रहता है, ठीक है। तो वंदे भारत में अगर MR का प्रेशर 0 हो जाएगा तो पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। एब्रीविएशन ऑफ ETBU, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वंदे भारत, वंदे भारत से है। तो एब्रीविएशन ETBU, इमरजेंसी ट्रैक्शन बैकअप यूनिट, इमरजेंसी ट्रेन बैकिंग यूनिट, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ये हर एक कोच में प्रोवाइड किया गया है। ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से आपको बातचीत करना हो तो वहाँ पर ETBU यूनिट लगा हुआ है जिससे आप उसमें बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप ऑफ व्हील्स आर यूज्ड इन द बोगी ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन में किस टाइप का यूज होता है? तो देखिए स्पोक तो कहीं नहीं यूज होता है, हाई स्पीड व्हील कुछ रहता नहीं है, ये इसमें फोर्स्ड व्हील यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। कंडीशन ऑफ ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार इन LHB कोचेज शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग इब्री,
कंडीशन ऑफ ग्रीस, देखिए ग्रीस अप्लाई करने की नहीं करें, कंडीशन आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, तो D1 में भी करना है, D2 में भी करना है, D3 में भी करना है, तो ऑल ऑफ द एबव अप्लाई करने के लिए आपको ग्रीस लगाने के लिए D3 में लगाना है आपको ग्रीसिंग, बट विजुअल इंस्पेक्शन आपको ये करना है कि यदि ख़राब है तो उस शेड्यूल में भी यूज कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल में, बट प्रॉपरली जो है वो D3 में अप्लाई करते हैं हम ग्रीस। बट विजुअल चेक करने की बात किया, कंडीशन ऑफ ग्रीस जानने के लिए, तो एंटी रोल बार का, तो ये तीनों में करते हैं, सो दैट ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। प्रोविजन ऑफ यसेस ड्रिप ट्रे इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग FRP ट्रे अंडर RMPU रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, जो AC में कोचेज में लगा रहता है, तो उसको आप रिप्लेस करके यसेस ड्रिप ट्रे लगाए हैं, क्यों? प्रिवेंट वाटर लीकेज फ्रॉम रूफ इन कोचेज, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम थोड़ा सा इसको फास्ट ले रहे हैं क्योंकि 110 क्वेश्चन सॉल्व करना है और वीडियो भी बहुत लेंदी नहीं बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से ही इसको कर रहा हूँ, बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इनफ टाइम है, आप इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रेलवे बोर्ड एज ओनली यसेस डस्टबिन इज टू बी प्रोवाइडेड इन ट्रेन्स इज टू, यानी किस लिए बढ़ाया गया है ये बता रहा है, प्रिवेंट फायर इन कोचेज थ्रू डस्टबिन मटेरियल्स इज ऑफ क्लीनिंग, इट इज़ नॉट डिजाइन बाई फॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि यानी फायर प्रिवेंशन के लिए यसेस जो है जल्दी नहीं पकड़ेगा, इसलिए जो है यसेस का डस्टबिन अभी सभी कोचेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑफ WSP सिस्टम टू इंश्योर टू प्रिवेंट, यानी इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ WSP सिस्टम, ये WSP का क्वेश्चन है, LHB के मैनुअल से लिया गया है, एक इंस्ट्रक्शंस आया था सन 2019 में WSP व्हील सेलिंग को रोकने के लिए, तो उसमें ये चार पांच आइटम्स दिए गए थे, जिसमें BC का प्रेशर रिड्यूस करना है, 3 kg करना है, डंप वाल्व के एग्जिस्टिंग चोक को हटाना है, और चार्जिंग चोक जो है वो 9 mm कर देना है, और उसमें ये व्हील सेलिंग के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ए। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डंप वाल्व, देखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डंप वाल्व के लिए, बट यहाँ कह रहा है प्रिवेंट, मतलब रोकने के लिए, रोकने के लिए इसका मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग न करे डंप वाल्व, तो इसके लिए तो नहीं होता है, तो इसलिए व्हील सेलिंग इन LHB कोच है, द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इट इज राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का क्या काम है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ WSP, जो शायद फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर ही एक्सप्लेन किया गया था, स्पीड सेंसर है टू कंप्यूट द रिवोल्यूशंस ऑफ ईच एक्सल, टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ ईच एक्सल, आइदर ARB नन ऑफ दी, तो स्पीड सेंसर जो लगा होता है, स्पीड सेंसर का मतलब ही है कि स्पीड को सेंस करके, यानी उसकी स्पीड को बताना, तो यहाँ है कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, तो आंसर ए इज द राइट आंसर, यहाँ है टू मेंटेन सेम स्पीड, ये तो उसका काम नहीं है सेम स्पीड करना, तो स्पीड सेंसर कंप्यूटिंग करता है, उसको काउंटिंग करता है कि क्या स्पीड है इसका। द एब्रीविएशन ऑफ VBVF दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू द वंदे भारत, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी अभी हो गया है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रिक्वेंसी ऑफ SS3 इन LHB कोच इज, SS3 का 6 ईयर्स है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसको पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हूँ, SS1 SS2 SS3। कैपेसिटी ऑफ MR मेन रिजर्वायर, मैंने बताया कि यहाँ BP और AR नहीं रहता है, यहाँ MR रहता है टैंक का वंदे भारत, तो वंदे भारत है टैंक का कैपेसिटी जो है ये MR का 200 लीटर है, 100 लीटर में बता दूं ये वैगन में रहता है, 125 लीटर है LHB में रहता है, और 200 लीटर आपका ICF में रहता है AR का कैपेसिटी, मैं ये सब AR बता रहा हूँ, ये जो दोनों हैं ये AR है, बट यहाँ 200 लीटर MR भी रहता है वंदे भारत में, तो आपको ICF वैगन LHB सबके AR की कैपेसिटी पता चल गई और MR का पता चल गया, तो 200 लीटर इज द राइट आंसर, ठीक, वंदे भारत की MR का। 31 नंबर है, विच ऑटोमेटिक सिस्टम प्लेस्ड एट वे साइड एक्टिवली आइडेंटिफाइंग डिफेक्टिव व्हील्स एंड बियरिंग्स बिफोर दे रिजल्ट इन फेल्योर, कौन सी स्वचालित प्रणाली रेक
ट्रैक के किनारे लगाई गई है। तो ओ एम आर एस जो है लगाया गया है, ये है आपका इन रूट इस जगह पर लगाया गया है, यानी ट्रैक के किनारे लगाए गए हैं। कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर जो है इसको व्हील्स एंड बियरिंग, जो कि फेल होने के पहले ही ये बता देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओ एम आर एस। का फुल फॉर्म अगर लिखते हैं तो लिखते हैं हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ऑनलाइन ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ठीक, ओ एम आर एस ही यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टॉर्क वैल्यू यूज्ड फॉर टाइटनिंग द माउंटिंग बोल्ट ऑफ सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस साइज M20x50 का, इसका 450 न्यूटन मीटर से टॉर्क हम अप्लाई करते हैं। एल एच बी में जितने भी हम नट बोल्ट टाइट करते हैं वो मोस्टली टॉर्क रेंज से यूज करते हैं, और उसके डिफाइंड टॉर्क हैं न्यूटन मीटर में, तो उसमें से ही हम उसको टाइट करते हैं। आफ्टर डिसमेंटलिंग द एयर स्प्रिंग, पोर्ट्स ऑफ एयर स्प्रिंग असेंबलीज टू बी कवर्ड विथ सुटेबल प्रोटेक्शन कैप रबर, क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनग्रेस्ट ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स, तो टू प्रोटेक्ट इट्स एक्सटर्नल डैमेज, टू नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। द डंप वाल्व इन एल एच बी कोचेज वर्क्स ओनली ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग कब यूज होता है? डंप वाल्व जो है ये डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील, इमरजेंसी ब्रेकिंग सर्विस, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ व्हील पर ही डंप वाल्व आपका ऑपरेट होता है, क्योंकि वही या तो इसके प्रेशर को डिक्रीज करेगा या सस्टेन रखेगा। तो ये जो आपका डीवी से मिलता है तो ये स्पीड ऑफ व्हील के डिफरेंस पर ही काम करेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर? मैनिपुलेटर डाउन हैंड वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है मैनिपुलेटर। व्हाट डू यू मीन बाई एफ आर पी? एफ आर पी क्या है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। मोटरिंग परसेंटेज ऑफ वंदे भारत, वंदे भारत का मोटरिंग परसेंटेज कितना है? तो इसमें 50% रहता है मोटरिंग, तो इसलिए जो है इसका 50%, 33% लोकल का है, 66% आपका मेट्रो का है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ए आर जो होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 16 कू कार वंदे भारत ट्रेन? 16 कार वंदे भारत ट्रेन का इस लंबाई कितना है? तो ये 384 है। कैसे करेंगे? एक कोच का जो है वो 24 मीटर है लगभग, तो गुणे 16 कर देंगे, तो 16 कोच का हो जाएगा 384 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस इन वंदे भारत? वंदे भारत में ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए क्या यूज करते हैं? कूलेंट लेवल डिटेक्टर, आयर लेवल डिटेक्टर, प्रेशर रिलीफ डिवाइस यूज किया जाता है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन वंदे भारत बैटरी बॉक्स इज लोकेटेड इन, बैटरी बॉक्स हमने बताया है डीटीसी है, एन डीटीसी में, तो ए इज द करेक्ट आंसर, डीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर इन वंदे भारत इज लोकेटेड इन, ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है? वो तो टीसी में यूज होता है, टीसी फॉर ट्रांसफार्मर, एंड पेंटो यूज होता है मोटर कोच में, मोटर्स यूज किए जाते हैं, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, डीटीसी में बैटरी यूज की जाती है। तो ये आप वंदे भारत का पार्ट देखेंगे तो उसमें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माउंटेड ऑन रूफ इन वंदे भारत ट्रेन? वंदे भारत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, तो वंदे भारत पे क्या यूज होता है? देखिए, रूफ पर तो पेंटोग्राफी यूज होता है, सर्ज अरेस्टर रहता है, RMPU होता है, ऑल ऑफ द अबव हो गया, तो राइट आंसर इज डी। डिजॉल्व गैस एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ गैस दैट आर डिजॉल्व इन ट्रांसफार्मर, तो इसका करेक्ट ए है, मतलब ट्रांसफार्मर, डिजॉल्व गैस एनालिसिस ट्रांसफार्मर में यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए, इन वंदे भारत पेंटोग्राफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वायर कट इन संट वायर्स एट विच इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस द संट वायर्स? 5% से, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वायर कट? 5% कट जाता है संट वायर, तब जो है इसको रिप्लेस करते हैं।
तो ये आपको वंदे भारत के मैनुअल से मिल जाएगा। तो मैंने बताया कि जो आंसर्स हैं मैं मैनुअल से ही रिफ़र कर रहा हूँ कि आंसर आपका क्लियर रहे, क्योंकि कभी चैलेंज करने का रहे तो आप कर सकते हैं। वाई फीबा इज़ प्रोवाइडेड इन कोचेस, फीबा यानी फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक अप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर द एयर स्प्रिंग। तो क्या टू अप्लाई सर्विस ब्रेक ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग जैसे ही फट जाए रप्चर हो जाए उसका तो सर्विस ब्रेक अप्लाई कर दे, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज स्पीड पोटेंशियल, नहीं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ यूज किया गया, मतलब इट मीन्स कि डैम्पर की बात कर रहा है। तो एक एलएचबी कोच में बात कर रहा है, तो एक बोगी में 9 लगता है, एक कोच में जो है 18 जो है 18 नंबर्स डैम्पर्स यूज किए जाएंगे। वाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्लाइंबिंग जो आपका सीबीसी है उसका फीचर है सेंटर बफर कपलर का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू इन अदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेलीस्को, नहीं, राइट आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोचिंग स्टाक एक्सीडेंट इन्वॉल्व लॉस ऑफ ह्यूमन, जब भी लॉस ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्व होता है तो उसकी इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी कर रहा है सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये जो है रेलवे के पर्सन होते हुए है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आ जाते हैं तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करते हैं। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट से क्या करते हैं हम इंटरनल क्रैक्स को डिटेक्ट करते हैं यूएसटी टेस्टिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ ईडी करंट टेस्टिंग, ईडी करंट टेस्टिंग के क्या फायदे हैं, ईडी करंट ये डीपीटी का रिप्लेसमेंट आया है, ट्राई पेनिट्रेशन टेस्ट, दिस इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यूएसटी भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, एनडीटीटी, तो एनडीटीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी भी है, सिंपल टू यूज भी है, इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर 53। ईडी करंट एरे फॉर सरफेस डिफेक्ट्स डिटेक्शन इज यूज इन एलएचबी कोचेस फॉर किसके लिए यूज होता है, ये मैंने बताया कि जो यूएसटी होता है वो तो इंटरनल क्रैक्स के लिए होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, और ये सरफेस डिफेक्ट के लिए होता है, डिफेक्ट ऑफ एलएचबी व्हील्स, व्हील के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं सरफेस डिफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है द ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन आईसीएफ कोच इज द ड्रा एंड बफिंग फोर्स सेंटर पिवट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन इज द ए क्लियरेंस होता है, बी क्लियरेंस बताते हैं कि जो इसका रहता है बी क्लियरेंस बोगी बोस्टर और बोगी फ्रेम के बीच होता है, सी क्लियरेंस बॉडी और बोगी के बीच का होता है। एज पर कपलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू स्प्रिंग्स इन एलएचबी कोच फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ द टू आउटर स्प्रिंग शुड नॉट एक्सीड 4 mm, तो इसमें दिया है देखिए यहाँ न्यू स्प्रिंग की बात कर रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट ऑफ डेविएशन फॉर टू आउटर स्प्रिंग नॉट एक्सीड, तो इनकरेक्ट तो नहीं है, ये सही है। द डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट डेविएशन फॉर टू इनर स्प्रिंग, तो 8 mm तो शुड नॉट एक्सीड, ये भी सही है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ओवर टेस्ट लोड L1 फॉर आउटर स्प्रिंग शुड नॉट बी मोर देन 2 mm, ये भी सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है, और ये न्यू स्प्रिंग के लिए, अगर यहीं पर ओल्ड स्प्रिंग कह देता तो ये तो 8 mm हो जाता और इसको तो काउंट नहीं करते ओल्ड में इनर वाले को, बट यहाँ न्यू स्प्रिंग पूछा है तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कोई नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई SCTR सिंगल कार टेस्ट रिग, सिंगल कार टेस्ट रिग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द फेल्योर ऑफ कंट्रोल आर्म इन LHB कोचेस, कंट्रोल आर्म के फेल्योर को कौन रुकेगा, द फास्टनर यूज इन द कंट्रोल आर्म शुड बी प्रॉपर्टी क्लास 10.9 परचेज फ्रॉम RCF रिकमेंडेड सोर्स ओनली, इट इज द राइट आंसर। द डैम्पर शुड बी चेक्ड विजुअली D1, D2, D3 शेड्यूल्स फॉर एनी लीकेज सेम शुड बी रिप्लेस्ड, ऑल द डैम्पर्स ऑफ बोगी शुड बी टेस्टेड इन ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर इज द डी।
इन वंदे भारत, फिर से वंदे भारत के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इन वंदे भारत ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम 4 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज द राइट आंसर। इसको स्विच को इनेबल करने में 3 से 5 सेकेंड लगता है और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम 4 प्लस माइनस 1 सेकेंड है। कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ द एलएचपी का कंडमिंग व्हील डायमीटर 845 और 855 दोनों है, बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब किया हूँ प्रीवियस वाले पेपर में, तो आप देख लीजिए 845 है इसका कंडमिंग लिमिट है और न्यू साइज 915 है। अब ये भी यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, न्यू साइज 915 है, कंडमिंग लिमिट 845 जो लेटेस्ट नए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है बन रहे हैं उनका 845 है, और जो पुराना वाला एलएचबी कोच है जिसके डिस्क ब्रेक क्रैक हो जाते थे, टूट जाते थे, उसका जो है 855, यानी जल्दी उसको कंडम करना है तो वो 855 रखा गया है, बाकी अभी नए जितने भी व्हील आ रहे हैं सबका 845 है कंडमिंग लिमिट। हाउ मेनी स्पीड सेंसर हैव बीन प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच व्हील, व्हील में देखिए इसमें 4 लगे रहते हैं, 4 स्पीड सेंसर, 4 फोनिक व्हील और 4 डंप वाल्व एक कोच में लगता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, एक प्रेशर स्विच रहता है, तो सभी के हो गए एक कोच के लिए। व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज इन एलएचबी, एलएचबी में यस टाइप सीबीसी यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। टाइट लॉक कपलर विथ एंटी क्लैंपिंग, एंटी क्लैंपिंग कुछ नहीं रहता है, क्लैंपिंग ये रहता है, एंटी क्लाइंबिंग है सीबीसी का, बट यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पिस्टन स्ट्रोक फॉर ब्रेक सिलेंडर ऑफ एलएचबी कोच इज, पिस्टन स्ट्रोक का 8 से 10, 15 से 20, 20 से 25, 22 से 30, देखिए मैक्सिमम तो दिया है, वैसे तो ये 21 mm होता है, जो इसका ओईएम का मैनुअल है उसमें है मैक्सिमम 21 mm, बट इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैक्सिमम 21, तो 22 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 से 20 है इसका, मैं समझता हूँ कि राइट आंसर है, बट इस तरह का क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम 21 mm हमने पढ़ा है। अगला प्रश्न देखिए, डायमीटर ऑफ चोक इन पीईबी ऑफ आईसीएफ, आईसीएफ कोच में पीईएबी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, उसमें 19 mm का होल रहता है, और जबकि यही आईसीएफ पूछ लेता तो उसमें 8 mm का हो जाता, 8 mm फॉर आईसीएफ। ठीक, नंबर्स ऑफ या डैम्पर्स इन एलएचबी कोचेस, मैंने बताया कि एलएचबी कोच में एक बोगी में 2 रहता है, एक कोच में जो है 4 या डैम्पर हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइसेज इज नोन एज रिस्ट्रक्टर, रिस्ट्रक्टर देखिए क्या है, इंजन में ई टाइप का लगा है और एलएचबी में एच टाइप का लगा है, तो दोनों में जैसे पॉकेट एंड आर्म जो है उसमें नहीं रहता है ई टाइप में, तो वहाँ पर हम रिस्ट्रक्टर लगाते हैं कि जिससे वर्टिकल स्लाइडिंग न होने पाए। 68 नंबर, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, रिफिल कब करना है, रिफिल करना है आफ्टर 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्पेक्शन तो एवरी 3 मंथ बात करते हैं, बट रिफिल करने की बात आई है तो आफ्टर 1 ईयर। अगला प्रश्न देखिए 69, द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज में किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं, फोम टाइप, डीसीपी, CO2, डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर यूज किया जाता है आपके फायर एक्सटिंग्विशर जो एसी कोचेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन एलएचबी कोचेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व, डंप वाल्व में 24 वोल्ट यूज किया जाता है, 24 वोल्ट आपका यूज होता है डंप वाल्व के लिए। इन एलएचबी कोचेज डब्ल्यूएसपी सिस्टम इफ द 99 कोड सोन ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, इट मींस कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, सम डिफेक्ट्स इन, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम इनसाइड द कोच, इनसाइड कोच से जैसे आईसीएफ में हम चेन पुलिंग करते हैं, तो एलएचबी के लिए जो चेन पुलिंग है इमरजेंसी पुल बॉक्स उसका नाम दिया गया है, द बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जैसे ही पुल बॉक्स हम करते हैं तो बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मैक्सिमम गैप बिटवीन द ब्रेक डिस्क एंड द ब्रेक पैड, मैक्सिमम 1 से 1.5 mm, तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो 1.5 mm इज द मैक्सिमम। अगला प्रश्न देखिए, वन ब्रेक इंडिकेटर,
सोज ग्रीन इवन ब्रिक्स आर नॉट अप्लाइड इन कंडीशन, वन ब्रिक इंडिकेटर सोज ग्रीन, ये तो ग्रीन दिखा रहा है, इवन ब्रिक्स आर नॉट अप्लाइड, तब क्या होगा? सी आर ऑफ कोच नॉट चार्ज, हैंड रिलीज वाल्व स्टक इन रिलीज पोजिशन, ब्रेक इंडिकेटर, अगर ये नहीं कर रहा है तो यानी इसका मतलब है कि ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप हो गया है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। बाईपास सिस्टम इज यूज इन ब्रेक सिस्टम व्हेन व्हेन बीपी पाइप ब्रोकन, होज पाइप ब्रोकन, एफपी पाइप ब्रोकन। एलएचपी में तो हम एफपी के लिए भी करते हैं, बीपी के लिए भी, होज पाइप ब्रोकन हुआ तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी है। वैसे तो आईसीएफ में तो केवल बीपी पाइप के लिए ही लेते हैं, बट एलएचपी है हमारे सिस्टम में, तो एलएचपी में तो चूंकि डब्ल्यूएसपी सिस्टम काम नहीं करेगा, एयर स्प्रिंग काम नहीं करेगा, तो हमारा ये है कि और बीपी एफपी हॉस पाइप भी होता है तो हॉस पाइप हम चेंज कर देते हैं। बट क्या है यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न कन्फ्यूजिंग है, चूंकि देखिए क्लियर नहीं किया है कि आईसीएफ या एलएचबी, अगर आईसीएफ होता तो बीपी पाइप ब्रोकन कंडीशन एकदम क्लियर था, ये एलएचपी में आपका एफपी भी ब्रोकन होता है तो भी बाईपास करते हैं, बीपी होता है तो भी करते हैं, हॉस पाइप ब्रोकन में तो क्या करते हैं हम, इंजन का या जो भी बाहर का रहता है उसको हम इंजन में जो एडिशनल आगे लगा रहता है उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन कोच में नहीं रहेगा। खैर यहाँ पर एनी ऑफ द अबव डी इज द करेक्ट आंसर लीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स, डैम्पर्स मतलब शॉक एब्जॉर्बर, जो एलएचबी में यूज करते हैं तो हम डैम्पर्स बोलते हैं। सस्पेंशन में भी इंक्रीज्ड, ठीक है, गुड राइडिंग इंडेक्स में भी इम्प्रूव्ड, कंफर्ट में भी इंक्रूव्ड, ऑल इज द एबव इज द करेक्ट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज में एंटी रोल बार का मेन फंक्शन ये होता है टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, कोच की रोलिंग एक्शन को ये रोकता है, जो एक होता है एक्स वाई जेड, तो जो जेड वाला रहता है यानी रोटेट करने वाला, वो कोच के रोलिंग एक्शन को रोकता है। द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड, गैंगवे ब्रिज जो होता है ये टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन टू कोचेज, दो कोच में आने जाने के लिए ये होता है, तो उसी के लिए गैंगवे ब्रिज है। टू प्रोटेक्ट वेस्टिबल डोर्स, इससे वेस्टिबल डोर का कोई मतलब नहीं है, जो हमारा ब्रिज रहता है फाल प्लेट हम बोलते हैं, वो ब्रिज दो कोच में आप आने जाने के लिए रहता है। द ब्रेक पैड शुड बी आप सेम थिकनेस, सेम थिकनेस कहाँ रहता है? ईच कैलीपर, ईच कैलीपर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ कैलीपर आप वन व्हील सेट, नहीं ऑल कैलीपर्स आप ट्रॉली, ईच कैलीपर का सेम थिकनेस होना चाहिए। मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, क्या क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, सर्विस ऑफ कंपोनेंट, ऑल ऑफ द एबव, सब करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में सब होता है। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ आर बी सी आर, आर बी सी आर मतलब रेगुलेटेड बैटरी चार्जर, जो हमारा यूज होता है वंदे भारत में। आइए क्वेश्चन नंबर 82, 82 में क्या है कि ईओजी पावर कार सप्लाई इज फीडेड टू कोचेज बाई द एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच में ईओजी इंडान जनरेशन का से जो पावर सप्लाई होता है ये थ्रू आईवी कपलर होता है, तो आईवी कपलर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रेन सेट कोचेज आर इक्विप्ड विथ बोस्टर बोगी, बोस्टर लेस डिजाइन बोगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोस्टर विथ साइड मिरर, नहीं बोस्टर बोगी नहीं, बोस्टर लेस डिजाइन बोगी जो है वंदे भारत ट्रेन सेट, ट्रेन सेट को ही हम वंदे भारत बोलते हैं, इसलिए कुछ लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, वंदे भारत को ही हम ट्रेन सेट बोलते हैं, तो पोस्टर लेस डिजाइन कोचेज हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 कोच वंदे भारत ट्रेन, ट्रेन वंदे भारत में क्या 2 16 कोच का अगर है तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है? 2 DTC, 2 NDTC, 4 TC और 8 MC, 8 MC, देखिए 16 कोच में 8 MC है, सो दैट इज 50% मोटरिंग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वंदे भारत इज प्रोवाइडेड इन ऑल कोचेस, वंदे भारत में क्या प्रोवाइड किया गया? एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ये है आपका एलएचबी में, एलएचबी में, ठीक, एलएचबी। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ये आपका आईसीएफ में है, बोगी माउंटेड, ठीक, और व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम आपका वंदे भारत में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। वंदे भारत कोचेज आर इक्विप्ड विथ, बहुत सारे क्वेश्चंस वंदे भारत से हैं, वैक्यूम, बायो वैक्यूम टॉयलेट यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द ए इज द करेक्ट आंसर, बायो वैक्यूम
टॉयलेट्स, वैकुम बायो टॉयलेट्स जो भी है। द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन, पहला वंदे भारत, देखिए वंदे भारत जो चला था वो पहले वंदे भारत चला था वो न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा चला था नई दिल्ली से कटरा। तो ये दो वंदे भारत पहले चले थे सबसे पहले, उसके बाद ये हमारा आ गया। वो पहले ट्रेन 18 के नाम से चला था, ट्रेन 18 का नया नाम कर दिया गया वंदे भारत। तो वो वंदे भारत न्यू दिल्ली टू वाराणसी फर्स्ट चला, न्यू दिल्ली टू कटरा दूसरा चला, उसके बाद जो भी आए उनको नया नाम दे दिया गया ट्रेन सेट या वंदे भारत। व्हाट इज द रेजिंग एंड लोअरिंग टाइम ऑफ पेंटोग्राफ इन वंदे भारत? वंदे भारत से जितने भी क्वेश्चंस लगभग मिले हैं मुझे, ये सब हमारे एमसीक्यू में हैं, आप ज़रूर देखिए। ये है लोअरिंग एंड रेजिंग टाइमिंग पेंटोग्राफ का 6 से 10 सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पार्किंग ब्रेक रिलीज स्विच इनेबल व्हेन यमार प्रेशर चार्ज्ड, रिलीज स्विच इनेबल, इनेबल तब करेगा जब यमार का प्रेशर 4.5 kg/cm² से ज़्यादा होता है, तब पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर देता है इनेबल, और जब 3.5 kg होता है तो ये डिसेबल कर देता है, इस पर डिसेबल कर देगा। यमार का प्रेशर जैसे ही 3.5 kg/cm² या इसके नीचे जाएगा तो पार्किंग ब्रेक को ये डिसेबल कर देगा। व्हाट इज द नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज ऑफ OHE ओवरहेड इक्विपमेंट्स टू द पेंटोग्राफ? पेंटोग्राफ जो हमारा वंदे भारत में लगा है उसमें क्या नॉर्मल सप्लाई रहता है वो देखिए। तो इसमें है 25 kV तो रहता है, ये तो पता है कि यहाँ मुंबई में जो लगा है ये सब जो है वंदे भारत जहाँ जा रहा है जो इलेक्ट्रिकल OHE सप्लाई दिया गया है 25 kV का दिया है, तो 15 kV तो है नहीं, 25 kV हो गया। 50 Hz का है तो 50 Hz, अब दो में आंसर आ गया, सिंगल फेस है तो एक ही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साइड वाल्व ऑफ ट्रेन सेट कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, साइड वाल्व जो है इसका, साइड वाल्व देखिए इसमें क्या है कि साइड वाल्व और इंड वाल्व, साइड वाला एंड इंड वाल्व दोनों फेरेटिक स्टील का बना हुआ है, और कारुगेटेड फ्लोर रूफ जो है ये ऑस्टेनाइट का बना है, कारुगेटेड रूफ, और अंडर फ्रेम जो है IRSM 41 का है, ये भी हमारे MCQ में है। तो ये आपका ट्रेन सेट, ट्रेन सेट मतलब वंदे भारत। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर, तो ये क्या है कि तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आगे देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव? VFD का प्राइमरी फंक्शन ड्राइव क्या है? टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एंड इलेक्ट्रिक मोटर, कन्वर्ट AC DC, तो ये तो नहीं होता है, तो कंट्रोल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये VFD का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्राइमरी फंक्शन है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए डोर इज 18 Nm एंड फोर्स इज 4.9 N इज अप्लाइड इन बाय द पर्सन, व्हाट इज द डिस्टेंस? देखिए यहाँ पर टार्क दिया हुआ है आपका 18 और फोर्स दिया हुआ है 4.5, तो डिवाइडेड कर दीजिए 4.5, तो इज इक्वल टू आ गया 4 m, तो राइट आंसर इज द 4 m इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज होता है, तो SI यूनिट हर्ट्ज है। 97 क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया इज द अदर नेम। एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं सेकंड को, तो ये सेकंड हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। तो आपके ये क्वेश्चंस भी तैयार हो गए। आगे देखिए,
विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर? एयर प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर इसके लिए किस क्या होता है? ये सिज्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए होता है, वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए, एमीटर करंट के लिए। करंट, वोल्टेज और अर्थक्वेक, ये आपका अर्थक्वेक ही समझिए आप। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। नेम द डिवाइस फिटेड इनटू द एलएचबी कोचेस टू रेगुलेट द कोच बॉडी लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड कंडीशन ऑफ द व्हीकल्स बाय चार्जिंग और वेंटिंग द एयर सस्पेंशन। तो ये जो फीबा होता है, फीबा का कंपोनेंट एक होता है लोड लेबलिंग वाल्व, तो ये लेबलिंग वाल्व इज द राइट आंसर। FSDS क्या है? फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होता है, CBC सेंटर बफर कपलर होता है। तो फीबा का ही जो एयर स्प्रिंग में लगा हुआ, फीबा का ही कंपोनेंट नहीं है, एयर स्प्रिंग में लगा हुआ कंपोनेंट्स होता है लोड लेबलिंग वाल्व, इट इज राइट आंसर। फीबा क्या है? फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक अप्लीकेशन, ये एयर स्प्रिंग के कंडीशन में लगाया जाता है। 100 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गियर इन ए मैकेनिकल सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है गियर का? गियर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है पावर, पावर ट्रांसमिट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर रहा इसका ए। अब आपके 100 क्वेश्चंस हो गए, अब 10 ऑप्शनल्स देख लीजिए। ये 10 जो है राजभाषा के क्वेश्चन है। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर, इट इज राइट आंसर ए। अगला देखिए। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3x3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट? ये 26 जनवरी 1965, तो ऑप्शन नंबर ए। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? ये कब अमेंड किया गया था? 1967 में अमेंड किया गया था ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अगला प्रश्न देखिए। इन विच स्टेट सेक्शन 6 और 7 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 63 डू नॉट अप्लाई? ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई होता है। ठीक, अगला प्रश्न है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? तो ये बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर ए आंसर, करेक्ट आंसर। इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज इस्टेब्लिश इन रेलवे बोर्ड? 1960 में हुआ था, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना 1960 में हुआ था। स्टेट सेलेक्ट स्टेट दैट कम्स अंडर ए रीजन, ए रीजन में क्या बिहार है? बिहार भी आता है, राजस्थान, न्यू दिल्ली, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर डी। ए बी सी में बटा हुआ है तो आपको याद रखना ही है। सेलेक्ट स्टेट दैट कम्स अंडर सी रीजन, सी रीजन में केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, ये सभी साउथ के स्टेट अक्सर सब जो है इसमें है, आलाते सी में है। गुजरात, महाराष्ट्र आपका बी में आ गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? तो सेंट्रल हिंदी कमेटी का क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है बाय डिफॉल्ट ही रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 110, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमेटी या पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग? तो टोटल तो 30 रहते हैं, टोटल 30 में लोकसभा के 20 रहते हैं, यहाँ लोकसभा पूछा है, और राज्यसभा के 10 रहते हैं, तो 20 प्लस 10 जो है 30 रहते हैं टोटल, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 110। थैंक यू, आपने सभी ने वीडियो को देखा इतनी देर तक, और आपको इसमें मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मिला, जो कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों से, और यदि पसंद आया है तो इसमें कमेंट्स भी करिएगा, जो कि मुझे इंस्पायर करता है इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। साथियों, मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।